हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप जो मेरे और एक फ्रेश वीडियो में कल की वीडियो में मैंने इस वीडियो को वॉइस ओवर कर दिया था, पर कल मैंने वॉइस ओवर का वीडियो फिर से एक बार चेक किया था, पर वो वीडियो मेरे ख्याल से भाई इतनी गंदी बनी थी ना, तो सही में पर मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी, क्योंकि हर सुबह मैं सुबह के 8 बजे वीडियो पोस्ट करता था, मतलब मेरी वीडियो आ ही जाती है। तो मेरे को लगा कि इसी वीडियो को मेरे को फिर से एक वॉइस ओवर करके अच्छे से मेरे को इसको अपलोड करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर देते आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मिट्टी ऐड की थी, एक नया पॉइंट बनाया, मतलब अभी एक नया ना बस का ऊपर से मैंने उठा लिया था। ठीक है, एक बॉक्स है नया वाला, इसको मैंने उठा लिया है, और इसके अंदर हम शिफ्ट करने वाले पोलर ब्लू पैरेट का पेयर, जो मैंने आप सभी को पता होगा पोलर ब्लू पैरेट का मेरा पेयर था, वो इसके अंदर मेरे को शिफ्ट करना है, क्योंकि उन्होंने अभी बच्चे वगैरह दे दिया है, तो उनको रखने के लिए मेरे को जगह चाहिए, तो इसी टैंक में शिफ्ट करने वाला हूँ। और इस टैंक में मैंने रात, मतलब एक 24 घंटे हो गया, 24 आवर, इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल के रखी थी। तो आप मेरे को यही क्वेश्चन है आपका आज का, कि आप मुझे बताओ कि इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल के इसको 24 आवर के लिए क्यों रखा था। ठीक है, मतलब देख सकते हो मिट्टी डाल के इसको 24 आवर रखा, और उसके बाद उसको मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, और उसके बाद उसको फूल मैंने पानी भर के रख दिया। तो बस ऐसे ही मेरा कमेंट था कि मैंने ऐसे क्यों किया, आप ज़रूर से बताना। और जो मैंने पानी यूज़ किया है वो दो पानी मिक्स है, एक तो नया पानी हो गया और एक पुराना पानी हो गया। पुराना पानी ऐसा है कि मतलब प्लांटेड सेटअप का पानी नहीं है, एक टाकी है हमारे यहाँ पे जो पुरानी है, और जो सीमेंट से बनी हुई टाकी है। ठीक है, मतलब टैंक बोल सकते हो, जो सीमेंट से बना हुआ है, उतना बड़ा भी नहीं है, उसके अंदर समझ लो कि 500 लीटर पानी आराम से बैठ जाता है। उसी वाले टैंक से मैं पानी उठाता हूँ, और उसी वाले टैंक से मतलब ये मैंने पानी इधर से भरा था, उसमें वो पानी डाला था, और थोड़ा सा पानी मैंने जहाँ मतलब मेरा प्लांटर सेटअप है उधर से लिया था। प्लांटर सेटअप से मैंने ज़्यादा पानी नहीं उठाया, मैंने 20% या 25% के करीब उधर से पानी उठाया था, क्योंकि उस प्लांटर सेटअप में ज़्यादा पानी नहीं है। उधर उस प्लांटर सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लिली फ्लोटिंग प्लांट्स और कुछ प्लांट्स से, मेरे को पूरे के पूरे प्लांट्स के नाम अभी याद नहीं आ रहे, पर हाँ बहुत सारे उसके अंदर प्लांट्स है, और वो पानी को एकदम क्लीन रखते हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद पानी लगते हैं, मतलब एक देख सकते हो कितना क्लीन पानी रख रहा है। और इसके अंदर कुछ कचरा था, क्योंकि कचरा इसी वजह से था क्योंकि इसको मैंने प्लांटर सेटअप के अंदर से उठाया था, तो ऐसे मैंने कुछ पानी बनाया था। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या बोलते हैं अर्मोनियम्स के पत्ते, मतलब जो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है कि मैंने अर्मोनियम्स के पत्ते क्यों ऐड किए, आप सभी लोग इसके आंसर दो। बहुत सी वीडियो में मैंने आंसर ऑलरेडी दिया है कि मैंने क्यों ऐड किया, पर आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने क्यों ऐड किया, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद, मतलब पता है, और क्या क्या चीज़ें आप सभी को पता नहीं है। तो किसी बंदों को मेरे को लगता है कि वो चीज़ें आप पता नहीं है, तो मुझे वो बता देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें मैं बता दूंगा, और जो चीज़ पता नहीं, मतलब आप सभी लोग क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हो। और कल परसों से, मतलब नहीं, 2-3 दिन के बाद से ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं सारे बंदों के क्वेश्चन की रिप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ड्राई ब्लड वॉर्म्स है, ठीक है, टू बी फिक्स वॉर्म्स नहीं है, ड्राई ब्लड वॉर्म्स है, और इसीलिए मैंने रखे थे क्योंकि मेरे को फिशेस पकड़नी है, तो फिशेस मटके के अंदर जाके बैठ चुकी है, तो इनके मेरे को उधर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आज तो बाहर ही है, पर जरा सा इनको फीडिंग वगैरह दे दो। ठीक है, जैसे ये मटके के मतलब बाहर से निकल सके, और मेरे को बार बार हिचकी आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक लाइक किया करो, क्योंकि फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जितनी फिशेस है, मतलब जितनी नहीं है, दो ही पे, एक पेयर है सिंपली जो मटके के नीचे बैठ चुके हैं, और इनको मैं जैसे फीडिंग दूंगा, फीडिंग खाने के लिए बाहर आएगी, और इनको मैं फटाक से पकड़ लूँगा। ठीक है, और ये देखो बाहर आ भी चुके, नहीं, अंदर जा चुके, चलो ठीक है, अंदर जा चुके हैं, तो यार इनको मेरे को पहले पकड़ना पड़ेगा, पहले फीडिंग दे दूंगा आराम से इनको, बस जाली लेनी है और इनको पकड़ लेना है। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं जाली लेके आया और इनको मैं फटाक से पकड़ के, यहाँ पर देख सकते हो इनको मैंने फटाक से पकड़ के अलग कर दिया है, और इसके अंदर अभी फिश नहीं है, मतलब देख सकते हो इसके अंदर फिश भी नहीं है, और इसके अंदर सारे के सारे अभी बेबीज़ है, बेबीज़ भी दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, और थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा था आप सभी लोगों को, हाँ बेबीज़ दिखाने था, और हाँ, और एक क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन बोल रहा था, एक ये था भूल गया था मैं, कि मैं जिस भी बंदे का क्वेश्चन, मतलब आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, तो उस क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। ऐसे बहुत से बंदे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे वीडियो के नीचे, और उनके मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, पर वो बाद में देखते ही नहीं देखते, मेरे को पता नहीं है
तो मैं सिंपली उनकी एक वीडियो लेके आऊँगा कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब 2-3 दिन में एक बार कमेंट्स के ऊपर वीडियो आएगी। मतलब जो भी बंदे क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसी क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और Q&A नहीं होगा, Q&A 10,000 सब्सक्राइबर के प्लस होगा। अभी तो Q&A करने का मेरा कोई भी मूड नहीं है, तो 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद Q&A वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। और अभी तो मतलब जितने भी बंदे क्वेश्चन पूछेंगे फिश से रिलेटेड, तो मैं बता दूंगा। पर्सनल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। हाँ, फिश से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैं बता दूंगा, और बहुत सा एक्सपीरियंस मेरे को भी गेन करना है। फिश एक ऐसी हॉबी है जिसके अंदर जितना एक्सपीरियंस आप गेन करो उतना कम है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो कि 100% पे टॉप पे कोई नहीं है। हाँ, कोई भी बंदा टॉप पे नहीं है। मैं भी टॉप पे नहीं हूँ। कोई जा भी नहीं सकता टॉप पे, क्योंकि नेचर के अंदर इतनी ज़्यादा फिशेस है ना कि पता ही नहीं है। मतलब बहुत सारी फिशेस तो समझ सकते हो कि इंसान को, मतलब परसेंटेज के हिसाब से बोलूँ तो 25% हम सभी को फिशेस पता है, ठीक है। और उनकी बीमारियाँ तो भाई समझ लो कि 5% भी हम सभी को पता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो किसी को पता ही नहीं है, तो वो चलो ठीक है। और बहुत सारी फिशेस अभी नई नई फिशेस आ रही है, तो मेरे को उस सॉफ्ट वाटर फिशेस के बारे में सब पता है। और जो बोलते हैं ना नमकीन फिशेस, मतलब खारे पानी की मछलियाँ, समुंदर की मछलियाँ, उनके बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं उनकी ब्रीडिंग वगैरह नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिंपली इनको मैंने रिलीज कर दिया है इस वाले पाउंड में। और यहाँ पर इनका कलर्स वगैरह देख सकते हो, अच्छा खासा इनका कलर्स है, अच्छा खासा इनका साइज़ भी है। ये टैंक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही है, पर टैंक बहुत बड़ा है। इसके अंदर मेरे ख्याल से कितना लीटर पानी था यार, 60 या 70 लीटर इसके अंदर पानी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, उतना होगा, आराम से बढ़ जाएगा पानी। हाँ, पर 50 लीटर से ज़्यादा इसके अंदर पानी है इतना। हाँ, 50 लीटर से ज़्यादा तो आराम से पानी इसके अंदर है, ठीक है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और इस इतनी पानी के अंदर है 2 फिशेस रहती है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से और एक पेड़ बैठ सकता है, पर हाँ इनके लिए इतनी जगह बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और एक मेल है, यहाँ पे देख सकते हो मेल है फीमेल है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है मेल कौन सी है फीमेल कौन सी है। और ये भी एक क्वेश्चन है कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है, और इसी वीडियो में पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता है कि मेल और फीमेल। बहुत सारी वीडियो आ गई थी, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी, मतलब बहुत सारी वीडियो है कि मेल और फीमेल कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है। गूगल पे भी उसका मार्किंग वगैरह दे, मतलब लिखा हुआ है मेल और फीमेल कैसी होती है। तो मैं पर्सनली उसके ऊपर वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है उस वीडियो पे व्यूज़ तो आने वाले नहीं है। व्यूज़ तो इसी वीडियो पे है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप सभी की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, जो भी मेरे बंदे देख रहे हैं, मतलब 10-12 बंदे जो देखते हैं उनके खुशी के लिए मैं बना रहा हूँ। पर हाँ ठीक है, देखो। और यहाँ पे वो जाके बैठ चुके हैं, ठीक है। और सारे बहुत सारे मैं सेटअप बनाने का सोच रहा था, पर अभी पोलार पैलेट का ही मेरा थोड़ा ट्रॉली चालू है, और थोड़ा बाहर भी घूमना चालू है मेरा, और मेरे को हिचकी आ रही है। 1 मिनट में माइक बंद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं पानी पी के आ चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो, मैं फिर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पर धोनी की धोनी, मतलब यहाँ पर बैठ चुकी है, नहीं उस साइड में जा चुकी है, अंदर नहीं बैठ चुकी है, मतलब। हाँ चलो ठीक है। और इनको मेरे को थोड़ी देर में भी ढक के रखना पड़ेगा, और ढक के रखने का एक सिंपल रीज़न होता है कि जब भी आप फिश लेके मार्केट से लेके आओ, उनको ढक के रखो, ठीक है। अभी तो मैं इनको ढक के रख दूंगा थोड़ी देर के बाद, मतलब अभी 2 सेकंड के, मतलब 2-3 मिनट के बाद इनको मैं ढक के रख दूंगा, ठीक है। तो ढक के कैसे रखने को होता कि सारा का सारा मतलब अंधेरा कर दो। आपके पास लाइट वगैरह होगी तो बंद कर दो, बहुत से बंदे एक्वेरियम में लाइट वगैरह लगाते हैं, तो भाई बंद कर दो सिंपली, और उनको 2 दिन वैसे ही रहने दो। 2 दिन तो क्या, 24 आवर के लिए रख देंगे तो ठीक है, ठीक है, वैसे ढक के रख दो, वो फिशेस अच्छे से घुल मिल जाएगी। और उनके बाद उसको फीडिंग वगैरह दे दो, तो फिश की कम मरेगी। मतलब बहुत सारे बंदों का, मतलब वही क्वेश्चन था कि भाई मैं, मतलब जो बंदे मेरे से फिशेस खरीदते हैं उन बंदों का भी, मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता है, ठीक है। उसने मेरे पास से खरीदी थी, मतलब कोई फिश खरीदी थी, मतलब वो कोई फिश उसके घर पे सही सलामत गई थी, मतलब उसने 1 डजन फिश खरीदी थी कोई फिश, तो वो सही सलामत गई थी, उसके घर पे भी लाइव थी। पर एक जाने के बाद उसने एक गलती कर दी कि उसने फिशेस को सीधा पाउंड में रिलीज़ कर दिया, ठीक है। बड़ा वाला पाउंड था उसके बाहर, अब आउटडोर पाउंड, उसमें सीधा रिलीज़ कर दिया। और वो पाउंड अभी अभी नया नया बना हुआ था, तो उसके अंदर उतने प्लांट ग्रो नहीं हुए थे, तो उसके अंदर उसने सिंपली जो रिलीज़ किया, तो उसके बाद से 3 से 2 3 फिश उसकी, दो मतलब 2-3 दिन के बाद नहीं के मरना चालू हुआ था। 1 हफ्ते तक उसकी फिश मरी थी,
तो बाद में उसका मेरे को मैसेज आया, भाई मेरे को रिप्लेसमेंट चाहिए कि फिशेस मर गई मेरी। तो उसका मैसेज मेरे को 2 दिन बाद आया था कि 2 दिन बाद उसकी फिशेस मरी थी। ठीक है, तो गलती तो ऑब्वियसली उसकी होगी। तो मैंने पूछा, भाई ऐसे क्या आपने क्या खिलाया फिशेस को कि फिश मर गई? उसने बोला, भाई जो फीड मिलता है वो फीड खिलाया था। तो मैंने, भाई फीड कब खिलाया था? जब मैंने फिशेस छोड़ी शाम के बजे, मतलब सुबह मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था, शाम के टाइम मैंने फीड दिया आ गया। पहली गलती तो हो गई। मतलब भाई मैंने सुबह उसको पैकेज मिला, उसने शाम को फीड भी दे दिया। ठीक है, मैंने बोला, भाई तूने रिलीज कहाँ की थी? और बोला पॉन्ट में। मैंने बोला प्लांटर सेटअप था? मैं उसने बोला भाई हाँ प्लांटर सेटअप ही था। तो मैंने बोला, भाई एक काम कर, एक फोटो निकाल के, एक वीडियो निकाल के मेरे को सेंड कर दे। तो उसने जब वीडियो मेरे को सेंड की, उससे प्लांटेड सेटअप जो बनाया था आउटडोर्स ने, वो नया नया था। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो आउटडोर सेटअप था उसका, वो पूल टू नया था। उसके अंदर जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने, भाई बोला तूने डायरेक्टली रिलीज कर दिया था? उसने बोला, भाई हाँ मैंने उसको लिया था, पानी उनका फेंक दिया था और उसको डायरेक्ट मैंने रिलीज कर दिया था। भाई तू, गलती तेरी है। ठीक है, तूने गलती की क्योंकि तूने उसको पहले दो मेरे 24 आवर्स के लिए उसको तो मतलब रखना चाहिए था ना। सिंपली उनको प्लांटर सेटअप में तो ना छोड़ दें। अच्छी बात है तुम प्लांटर सेटअप में छोड़ा, पर उसको मैंने जो मतलब बोला था कि भाई अंधेरे में जैसे रखना चाहिए फिशेस को, वो 24 आवर्स के लिए आप फिशेस लेके आओ, उसको अंधेरे में रखो। ठीक है, मतलब उसको रोशनी की झलक या मत देखने दो, उसको अंधेरे में रखो। भाई आपकी फिशेस नहीं मरेगी। ठीक है, 24 आवर्स लिए बस करो, और 24 आवर अंदर के उनकी फीड नहीं देनी चाहिए। जब भी आप फिशेस में लेके आते हो उनको फीडिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर आप फीडिंग दे रहे हो ना, तो फिशेस वो खाएगी नहीं भाई, स्ट्रेस में चली जाएगी। और उस बंदे का जो पाउंड था वो आउटडोर पाउंड था, और उसके अंदर भाई मतलब सीधे धूप वगैरह गिर रही थी, मतलब प्लांट्स वगैरह उतने ग्रो नहीं थे, तो उसकी वजह से उसकी फिशेस जो मर चुकी है। और उसके थोड़ा सा हुआ है नुकसान, क्योंकि वो 7 इंच के करीब प्लट थी। ठीक है, बहुत बड़ी साइज़ की थी, 7 इंच 6 इंच के करीब थी, और काफ़ी अच्छा उनका रेट था। तो तीन तो उनकी मतलब दो तो दूसरे दिन दो मरी थी, उसके तीसरे दिन एक मर गई थी, ऐसे हो गया कुछ। तो ठीक है, उस भाई को मैंने समझा दिया, तो उस भाई ने भी बोला ठीक है भाई मेरी गलती है, तो हो गया। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैं आया था फिर से वापस, तो यहाँ पे इसका पानी कम हो रहा था। ठीक है, नाइट में मैंने थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डाल के रखा था, पर उन पानी मैंने कम रखा था। ठीक है, तो मेरे को उतना अंदाजा नहीं लगा था कि ये लीकेज हो गया है, पर हाँ ये लीकेज हो चुका है। तो सिंपली मेरे को अभी इसके फिशेज जो इतनी सारी, इसके जो फिशेज इसके अंदर, और सारी के सारी मेरे को फिश उठानी पड़ेगी। दो ही फिश है। ठीक है, इतने सारे की मैं बोलता रहता हूँ, पर हाँ इसके अंदर दो दो ही फिश है मेरे को। सिंपली इनको अभी उठाना पड़ेगा, किसी और कंटेनर में जाके इनको मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा है। और ऐसे चलता रहा और मेरा ध्यान नहीं चला गया और मैं बाहर चला गया, तो फिशेस मर भी सकती है। तो मैं किसी और इसको कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को। और अभी तो फीडिंग लेने में बिजी है। ठीक है, मतलब इनका इसका खाना खाना ही चालू है, और देख सकते हो इस आधा पानी तो आराम से इनका कम हो चुका है। ठीक है, और मैं इनको थोड़ी देर में किसी और टैंक में रिलीज़ करता हूँ, और वो उड़ भी आएगी कुछ देर में, मतलब कल कल की उड़ वो वाली आ जाएगी, इस जो मैं इनको रिलीज़ कर दूंगा किसी और टैंक में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते किसी नेक्स्ट में। तो टाटा बाय, सी यू।